कोरोना डिप्रेशन और एंजाइटी, इसके बारे में बात मैं करूंगा। अभी कोरोना का पेंडेमिक चालू है, सेकंड वेव बहुत ज़बरदस्त फैली हुई है, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है उनकी। हर सिटी में 500, 1000, 2000, 10000, मतलब इतने रुग्ण ऐसे रोज के रोज डायग्नोस हो रहे निकल रहे, लोगों को बेड मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन लोगों की मारामारी हो रही है, ऑक्सीजन के लोग दर दर भटक रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लोग भटक रहे हैं, और इसमें फिर डिप्रेशन आना, एंग्जाइटी होना बहुत नेचुरल है। एक तो अपने घर में यदि कोई पेशेंट है तो उसके वजह से बहुत एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन आता है, चिंता होती है घर का कोई पेशेंट है तो, और नहीं तो फिर इन जनरल बाहर जो चाले उससे बहुत डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती रहती है। डिप्रेशन बहुत कॉमन लोगों को हो रहा है, चिंता भी बहुत कॉमन लोगों को हो रही है अभी, मतलब डिप्रेशन और चिंता से लोग अभी ग्रस्त है। इसमें क्या होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा विचार लोगों को आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे, ज़्यादा एक सरीका वही 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 बातें चालू है, आप अखबार खोलो, टीवी देखो, सब तरफ वही आ रहा है। फिर लोगों के मन में निराशा है, नर्वसनेस, फिर असहाय होना, हेल्पलेस कि भाई कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल असहायता हो गई है। निराशा भी है, आशा दिखती नहीं है, असहायता है, फिर डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन आ गया तो फिर डिप्रेशन में फिर भावनाएँ एकदम से उदासीन है, नर्वसनेस है, रोना आता है, फिर खान पान ठीक नहीं होता, भूख लगती नहीं है, नींद ठीक नहीं आती है, फिर उसका असर काम पर होता है, लोग काम नहीं कर पाते हैं, कभी रोना आना, बहुत ज़्यादा चिंता, भय, घबराहट, बेचैनी, फिर चिड़चिड़ करना, और कभी अपराध बोध की भावना, मतलब गिल्टी फीलिंग, समझो खुद को हुआ कोरोना तभी गिल्टी लगता है कि मैंने बराबर प्रिकॉशन ली नहीं होंगी इसलिए ऐसा हो गया, अपने घर वालों को हो गया तो गिल्टी फीलिंग लगता है, और या फिर हो गया तो अभी कैसा होऊंगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, एकदम भय, बहुत ज़्यादा भय, मर जाऊंगा। फिर लोगों को अलग होना पड़ता है, आइसोलेशन होना पड़ता है, मतलब समझो अभी लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है तो लक्षण वैसे बहुत कम है, जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको कोरोना होने के बाद में भी लक्षण बहुत कम है, मगर उनको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। अब आइसोलेशन में रहना है, किससे बात नहीं करनी है, अलग रहना है, तो लोगों के यहाँ घर में रहने की वैसी व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट मशीनरी, कोविड केयर सेंटर्स काम भी नहीं आ रहे, वहाँ फुल है, तो रहना तो कहाँ रहना, करना तो करना क्या है, आइसोलेशन में रहना तो कैसे रहना है। जो लोग पहले से डिप्रेस्ड है, पहले से जो लोग उनको और डिप्रेशन आ रहा है, मतलब जो जिनको पहले से डिप्रेशन एंग्जाइटी डायग्नोस्ड है उनको तो पहले से डर है, तभी इसमें करना क्या है। इसमें एक तो ऐसा है कि शांत मन रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक लोगों को सिखाता हूँ, और वो यदि प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन लोग करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस लोग देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अपना दिन रोज़ शेड्यूल करो, अपना दिन रोज़ शेड्यूल करने का है कि दिन में करना क्या है। अभी जैसा लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गया है तो दिन में करना क्या है, तो शेड्यूल करो दिन, दूसरे दिन का टू डू वर्क लिस्ट शेड्यूल करो कि करना क्या है दूसरे दिन, एक टू डू लिस्ट बनाओ, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ कि करना क्या है आगे जाके। ये अभी पैंडेमिक ये सेकंड वेव खत्म हो जाएंगे, अब लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव आ जाएंगे क्या रेनी सीजन में, तो उसकी हमको कुछ तैयारी करना है क्या, हमको बिजनेस से चेंज करना पड़ेगा क्या, नया बिजनेस चालू करना पड़ेगा क्या, कुछ कुछ ऐसे बिजनेस की जो अभी चलने वाले नहीं है, हो सकता है कि नया बिजनेस चालू करना है तो फिर नई स्किल्स सीखना है क्या, उसके लिए हम कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। वैसे खाली टाइम आपको है तो आप अच्छी किताबें पढ़ो, रोज एक किताब ख़त्म करो, मोटिवेशनल बुक, ऐसा बोला जाता है कि गुड रीडर्स जो रहते हैं वो गुड लीडर्स रहते हैं, और गुड लीडर्स दे आर गुड रीडर्स। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे वीडियो देखो, नए नए स्किल्स डेवलप करो, नई नई कलाकारी सीखो, रोज एक्सरसाइज करके अपना फिटनेस रखो, ज़्यादा प्रोटीन युक्त चीज़ें खाओ, विटामिन सी, जिंक, ये जो है विटामिन सी ज़्यादा खाना जरूरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फिर लोगों से कनेक्ट करो, जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं तो उतने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करो, फेस टू फेस नहीं होता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मगर हम ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से कनेक्ट करके भावना व्यक्त करो। वर्चुअल मीटिंग आप ले सकते हैं लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में वर्चुअल मीटिंग लो, वीडियो मीटिंग लो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स करो, ताकि लोगों से कनेक्शन करेंगे तो
अपना मन हल्का हो जाएगा। और पॉजिटिव अफर्मेशन देना, मैं बोलता हूँ कि रोज चार बार यदि आप प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक करते हो तो वो टेक्निक करो, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक। और ये क्या होता है कि आपने क्या करना है कि शवासन की अवस्था में लेटना है, शवासन की अवस्था में कुर्सी पे बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, एकदम पूरा शरीर रिलैक्स 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 करना है, पूरा बदन, हाथ पैर सिर पेट सब पूरा पूरा कंप्लीटली रिलैक्स करना है। और खुद को अफर्मेशंस देने के हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव अफर्मेशन मतलब जैसे भी मैं बोल के बता रहा हूँ वो अफर्मेशंस आप दे सकते हैं कि मेरी इम्यूनिटी, मेरी प्रतिकार शक्ति दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मैं दिन ब दिन अधिकाधिक तंदुरुस्त होते जा रहा हूँ, हर सांस में अंदर ले रहा हूँ उसके साथ मेरी ताकत बढ़ रही है, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, हर सांस में जो बाहर छोड़ रहा हूँ उसके जरिए मैं जो अनावश्यक चीज़ें मेरे बॉडी में है वो बाहर निकाल के दे रहा हूँ या निकाल रहा हूँ, हर सांस जो मेरी छूट रही है उसके साथ में मैं बॉडी के पॉइजनस चीज़ें बाहर डाल रहा हूँ, हर सांस के साथ में मैं तंदुरुस्त और फिट होते जा रहा हूँ, मेरी इम्यूनिटी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मैं दिन ब दिन रोज ताकतवर होते जा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ और एक्सरसाइज करके मुझको खुद को फिट रख रहा हूँ, मेरे खान पान में मेरा पूरा ख्याल है। और अपने आप को आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते जाओ हर बार, जब जब कोई नेगेटिव विचार आता है उस समय वो विचार को आप रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव विचार के साथ। ऐसा कोई विचार आता है कि मुझे कोरोना होगा क्या, मैं मर जाऊंगा क्या, उस समय देखना है कि नहीं ये मेरा विचार है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ और मुझे कोरोना हुआ तभी मैं उसका ठीक सामना कर सकूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो भी केयर लेना है वो केयर मैं ले रहा हूँ। मतलब इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन देना है जब जब निगेटिव थाट्स आते हैं तब तक, और विजुअलाइज करना है खुद को कि भाई एकदम मैं तंदुरुस्त हूँ, फिट हूँ, काम कर रहा हूँ, एनर्जेटिक हूँ, एंथुजियास्टिक हूँ। क्यों, ये होता क्या है कि जितने आप निगेटिव सजेशंस सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं टीवी के अखबार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, उतनी निगेटिविटी आप अंदर अंदर डालते हो और आपकी प्रतिकार शक्ति जो है इम्यूनिटी कम कम होती जाती है। जितने आप निगेटिव डालेंगे उतनी प्रतिकार शक्ति कम हो जाएगी, जितनी पॉजिटिविटी आप डालेंगे उतनी प्रतिकार शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ाओ, खान पान अच्छा रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे यूट्यूब वीडियोस सुन के नए नए स्किल्स डेवलप करो, नया बिजनेस क्या कर सकते हो उसके बारे में प्लान करो यदि आपका बिजनेस आगे चलने वाला नहीं है तो। तंदुरुस्त रहो, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केलकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।